हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और यार आज ना हमने दिन में पूरा दिन शूट कर लिया है, पर मेरा ना दिन में व्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर नाइट में मन कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज हमारे पूरे नाइट का शूट है, तो आज एक व्लॉग तो हो जाए रात का। तो देखो ये लड़की क्या कर रही है, सीन करने हैं बहुत सारे रह रहे हैं। अगर 5 बजे तक नॉन स्टॉप काम करेंगे तब जाके काम खत्म होगा, पर ये अपने जूते का 5 बजे तक। कब के? सुबह के 5 बजे तक। हाँ भाई, तो काफी दिनों बाद, क्योंकि रात के सीन रखते ही नहीं था मैं वीडियो में यार, पर अब रख रहा हूँ। आज हम पता नहीं कितनी देर, कम से कम 5 घंटे हम रात भर शूट करेंगे, तब जाके हमारी एक वीडियो तैयार होगी। और दोस्तों इस वीडियो में पूरे रात के सीन होने वाले हैं, और इंडोर आउटडोर एक ही सीन है, और सारे इंडोर है। तो देखते हैं वीडियो कैसी बनती है। मैं बहुत दिनों बाद इंडोर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आउटडोर लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। बाकी अब तो हम बार बार टेक देखेंगे कि कैसे टेक चल रहे हैं, है ना? है ना, समझ रहे हो। सुबह 6 बजे से शूट स्टार्ट किया हमने, लड़की सुबह 7 बजे आ गई थी, 6 बजे से हम कंटिन्यू शूट कर रहे थे, अब सुबह 5 बजे तक शूट कर रहे हैं। बहुत पैसा है गाइस इस पे, बहुत ज़्यादा, मतलब तुम लोग लूट सकते हो इस पर, समझ रहे हो ना? ओ, सैंडल भी। चाल भाभी। तो गाइस देखते हैं आप BTS। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये क्या चप्पल जूते साफ करने में लगी हुई हो यार, बड़ी, मतलब तुम्हें पता है गाइस मेरा मतलब स्केड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है। कुछ शेड्यूल नहीं है, 10-20 रुपए लिए इसने शेड्यूल कुछ नहीं है, पार्ट टाइम जॉब है इसकी, या शूट पे आके ये काम करती है। हाँ हाँ जी मैडम जी, बदले में क्या है बता दो फिर। बदले में बता दो भाई क्या दे रहे हैं। एक्शन जा रहे हैं भाई, शूट स्टार्ट है। तो गाइस ये वाला सीन हो गया ख़त्म, अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट सीन, जो कि सबसे बड़ा है, और हमें करना है ये छत पे। तो अब हम थोड़ा रीड कर लेते हैं। मैं तो, ये लड़की तो सो गई, देखो पीछे कैसे सो रही है, आज आलस फैला रखते हैं। ये भाई तो फ़ोन चलाने से फुर्सत नहीं होती है। अभी चलाए मिले, ठीक है, कंप्लीट हो गया, दूसरा सीन करने जा रहे हैं छत पर, देखते कब तक चलेगा, वो काफ़ी बड़ा सीन है। साला कॉपी कैट, मैंने जो बोला वही कॉपी कर दिया। तो ठीक है, मिलते हैं छत। एक सीन छूट गया था जो अभी याद आया, डायरेक्ट फेस पे आ रही है भाई लाइट, थोड़ा ऊपर कर इसको। तो अभी याद आया कि वो सीन करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, तो हमने चेंज कर, लड़की रेडी हो गई है, और हम करने वाले हैं ये वाला सीन, उसके बाद करेंगे छत का। वो बहुत बड़ा सीन है यार, उसमें ना वाट लगने वाली है, पर क्या करें, करना है। तो अभी हम इसको सीन को करके देखते हैं, फिर थोड़ा सा आराम करके फिर करेंगे, क्योंकि मेरा अब इसमें मेरा सोने का सीन है, और श्री मेरे को उठाएगी सुबह सुबह। ओए होए, ये स्नैपचैट में लग गई अब ये लड़की, ओए लगड़ी। तो चलो गो स्टार्ट, अभी यहाँ है नॉर्मल नॉर्मल पहले, ठीक है, रेडी हो, चलो आओ उठो, एक्शन। मैं उठता हूँ ना तो प्यार से तुम्हें थोड़ी देर देखता हूँ, तुम स्मेल करती हो, फिर मैं डायलॉग बोलूँगा, फिर तुम्हारा, चलो उठो। तुम्हें कहाँ मेरी हालत समझ आएगी, जब गंदे घर की से। तो मुकुल भाई इस लड़की से पूछना चाह रहे थे कि आसपास में सबसे बेस्ट यूट्यूबर कौन है, मतलब जिसके 2,31,000 सब्सक्राइबर हो, मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहे थे, पर लड़की ने बताया नहीं कि ये मुकुल मेरा फेवरेट यूट्यूबर है, इसकी वीडियोस, मतलब इसके शूट पे मेरे को बहुत मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि मेरे को किसी के शूट पे मज़ा नहीं आता, ये बात तुम सच मान लेना। तो ये टेक परफेक्ट है, दूसरा टेक लेना है, जान बूझ कर दे, नहीं कसम से दिया है, चलो ना, चलो अब इसकी तरफ से मेरे बंद कर दे इसको, आजा, ठीक है, बोलो। मैंने बहुत अच्छा दे दिया है। हाँ क्या, वन टेक आर्टिस्ट है हमारे भाई, क्लिप था ना, तो कोई नहीं, बता नहीं सकता यार आप लोगों को कैसा लगता है, पर इस लड़की ने मेरी तारीफ नहीं की है। कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं है इनकी नजर में जिसकी एक्टिंग अच्छी हो, सुन रहा है एल्विस, हाँ भाई सब सुन लो, हाँ अगर मेरा भी लोग देख रहे होंगे, हाँ ना,
लड़की ने किसी की तारीफ नहीं की। हाँ, इसने कहा एल्विश यादव भी मेरे को पसंद नहीं है, उसकी एक्टिंग भी मुझे पसंद नहीं है, ना मैं आज के बाद उसका शूट पे जाऊंगी, ये ऐसे कह रही है। इसने ऐसा ही कहा है, सबकी तारीफ की है, सबको बोला, हम लोग मजाक करते हैं, काम करते हैं, अपनी जगह सभी अच्छे हैं, और सबसे अच्छा जो यूट्यूबर लगता है वो हम हैं। चलो ठीक है, इसको बंद कर, चलो तो गाइस हमारा ये वाला सीन भी खत्म हो गया है और हम करने वाले हैं अब नेक्स्ट सीन। अब बार बार बोल चुका हूँ यार, कितनी बार पकाऊंगा मैं तुम लोगों को, तो तुम्हें पता ही होगा कौन सा सीन करने वाले हैं, तो कौन सा करने वाले तो वो पता है आप लोगों को कौन सा सीन करने वाले हैं, रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है, मेरे को नींद आ गया। हाँ हमें पता है कौन सा सीन करने वाले, देखो बाप तो ये लड़की रेडी हो रही है। नो नो यार ये वो खा रही है क्या, चूहा? अरे वो कुछ नहीं खाएगी, हमारी बिल्ली ना कांच खा रही थी पर खाती नहीं, वो डरा रही थी इनको और ये डर गई। जल्दी गाइस ऐसे टाइम आने वाला है, ठीक है, कौन सा रखूंगी अपने साथ, गनमैन रखूंगी अपने साथ, बस लेजिट मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए प्लीज, वो हम नहीं दे सकते सॉरी। और ये कर्जे में डूब जाएगी, कर्जा लेके गार्ड रखेगी, बिल्कुल कर्जे में नहीं डूबूंगी, मेहनत कर रही हूँ, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, देखेंगे तो मिला के 800 लोग डजंट मैटर, 800 लोग देखे, 8 लोग देखे, मतलब लोग दिल से देखना चाहिए, ये बात सही है, लोग दिल से मतलब पसंद करे तो मैं वो बहुत बड़ी बात होती है, मतलब लोग मेरा भी लोग पसंद करते हैं, मुझे भी पसंद करना फिर है ना। तो और आप भी कुछ बोलना चाहोगे क्या? बोले छोड़ो हटाओ यार कोई नहीं, चलो मिलते हैं अगले सीन में। ओके कैसा हुआ? पता नहीं, देखते कैसा हुआ है, दिखा, देखो देख कैसा हुआ है, हाँ सही हो गया। तो गाइस सबको आ गया है आलस और अब पीने हैं सबको चाय, ये लड़की नहीं पीती है, बाकी बंटी को चाय पीनी है, कर कुछ नहीं रहा पर चाय पीनी है भाई को, कोई नहीं भाई मेरी वीडियो एडिट करेगा इसलिए मेरे को काम करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करेगा, देख रहे हो ये है कैमरामैन भाई, जिसका ऐसा कैमरामैन होगा उसका चैनल कहाँ चलेगा यार, चल नहीं सकता पर मेरा चल रहा है, चल रहा है मेरा, अरे ये चलता रहेगा। और बंटी को मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है, जब भी उसे मन करता है जहर पीने का तो बंटी कहता है मुकुल, तो मैं रेडी हो जाता हूँ और मैं अपने हाथ की चाय बना के भाई को पिलाता हूँ, बच गई। चाय हो गई है रेडी, आप देखो देखो। ओ मैडम हां जी, मेरा दीदी मुकुल भाई सब चाय पी रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं पिला रहे, खिला रहे यार ये लोग, क्या सब चाय कहां डाल दिया इसका डाटा, कहां रखा है इसका, मेरे में मेरे फोल्डर में, क्या चाहिए मुझे? नारियल पानी, नारियल तो रखा है पके वाला, उसका दोनों नारियल तोड़ के पानी पिला दे, ये भी लोग वाला है नारियल, कोई बाहर जाएगा तो ही आएगा, इल्ले नारियल पानी पिल्ले इल्ले, अच्छा ये लड़की पिएगी नारियल पानी, इतना क्लोज क्यों रखा है मेरे कैमरा यार, तू अच्छी दिख रही है ना, मुझे पता है मुझे पता है। हाँ तो अभी बज रहे हैं 9:40, ओके बहुत ही ज़्यादा, कहाँ है दिख नहीं रहा, 9:44 हो रहे हैं और हम करेंगे लास्ट सीन जो कि 2-3 घंटे बड़ा लंबा है ऐसा मुकुल का कहना है, पर हम नहीं ये एक टेक आर्टिस्ट है तो जल्दी हो जाएगा, यस हम दोनों एक एक टेक में फटाफट से कर देंगे, चलो हम दोनों नहीं गाली यू मेरा पता नहीं है कुछ भी है ना, दुनिया वालों ये मेरी बीवी, कट अब
चलो कंटिन्यू इनका बिहाइंड द सीन चल रहा है बंदों का। ये लड़की को लाइटर मिल गया है और ये पागल हो गई है ना। हे भगवान आपको मतलब कसम है, ये इतनी अच्छी वीडियो शूट हो रही है, इतनी इमोशनल, प्लीज मेरे को भी कैसा जीवन साथी चाहिए प्लीज भगवान। मिल गया। इससे पहले पता क्या हुआ गाइस, मैंने ऐसा करा, मैं क्या बताऊं, मेरी बेइज्जती हो गई। मैंने कहा कि भगवान प्लीज, मतलब मैं इतनी फील में थी ना कि मैं सच में मतलब फॉर रियल में कर रही थी, मतलब भगवान जी प्लीज, भगवान मेरे को भी ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए कि मतलब जो बहुत प्यार करे है। और वो आग बुझ गई, आंखें खोली ये बुझी हुई थी। भगवान भी चाहता इसको प्यार ना मिले नहीं, जो जिसको ना है ना, एक बार दोबारा मुकुल दो चार साल बाद आई देगा देगा, ये है मेरी ओवर एक्टर। तो गाइस हमारा सीन हो गया है खत्म और टाइम कितना हो रहा है, साढ़े बारह हो रहे हैं और हमने 9 बजे करीब स्टार्ट किया था सीन, तो 9 बजे के 3-4 बजे से 12 बजे से स्टार्ट कर रखा है हमने। नहीं वो एक सीन बहुत बड़ा था ना, तो बाहर यार ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी वजह से जुकाम शुरू हो गया, लगा पड़ा है, लगी हुई है ना, तो हमने सीन ख़त्म कर लिया और अब भाई को लग गई थी भूख, क्योंकि हम दोनों के सीन अभी रह गए थे थोड़े बूढ़े, तो कहता है कि भाई भूख लगी और खाना खाने के बात करेंगे। तो कुछ बोलना चाहिए, मुझे सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है, दूसरी बार खाएगी रात में भूख लग गई है, शाम को बर्गर अलग खाए हैं। तो गाइस इस व्लॉग को यही खत्म करते हैं और देखेंगे फाइनल वीडियो कैसी बनेगी, तो मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई व्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टाटा।